हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, हाउ कॉपीराइट वर्क्स, कॉपीराइट कैसे काम करता है एंड व्हाट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज कॉपीराइट. कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो कॉपीराइट क्या है? एक लीगल राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो कोई भी पर्सन अपने इंटेलेक्ट की हेल्प से क्रिएट करता है, अपने माइंड की, अपने आइडियाज की हेल्प से क्रिएट करता है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, राइट. इन सिंपलर टर्म्स, कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी. बेसिकली ये क्या है? कॉपीराइट एक राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करने के लिए दिया जाता है. मींस हु कैन कॉपी दैट प्रॉपर्टी, कौन उस प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकता है. फाइन, दिस मींस दैट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनीवन दे गिव ऑथोराइजेशन टू आर द ओनली वंस विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क. कॉपीराइट वो राइट है जो ये निश्चित करता है, ये एंश्योर करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, सिर्फ वही पर्सन या सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकती है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जिसको रियल क्रिएटर ने ऑथोराइजेशन दी है ऐसा करने की, ठीक है, ऐसा करने के लिए ऑथोराइज किया है कि यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ माय वर्क. फाइन, ओके, तो ये क्या है? इट इज एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क. ओनली द रियल क्रिएटर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रिप्रोड्यूस इट. वो उसकी कॉपीज बना सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसको ऑथोराइजेशन दी गई है रियल क्रिएटर्स के द्वारा. ओके, वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स. अब इसके अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं? वो सारे वर्क आते हैं जो एक इंटेलेक्चुअल, जो एक इंटेलेक्ट को यूज करके बनाए गए हैं, जैसे बुक लिखना, ओके, म्यूजिक क्रिएट करना, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स एक्सेट्रा. फाइन, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के. फाइन, कॉपीराइट लॉ ग्रेंट्स राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन. ये जो कॉपीराइट लॉ है वो कौन कौन से राइट्स देता है कि जो रियल क्रिएटर्स है वो कंट्रोल कर सकता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मींस अपनी प्रॉपर्टी का, जो उसने क्रिएट किया है उसका रिप्रोडक्शन, मतलब दैट इंडिविजुअल द रियल क्रिएटर और द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्रोड्यूस इट, नो वन एल्स. ओके, मेकिंग डेरिवेटिव वर्क, मतलब उस रियल वर्क में से और उसके उसकी कॉपीज क्रिएट करना, उसके उस उसमें से डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स क्या होता है? ड्राइव करके बनाना, एक रियल चीज में से ड्राइव करके दूसरी चीज को बनाना. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस. रियल वर्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस और उसको पब्लिकली कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारे के सारे राइट्स किसके होते हैं? रियल क्रिएटर्स के होते हैं. ओके, इन इंडिया ओरिजिनल ओनर्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉस ऑल ऑफ देयर लाइव्स प्लस 60 मोर ईयर्स आफ्टर देयर डेथ. तो इंडिया में क्या है, जो भी कॉपीराइट लॉ क्या करते हैं, लेते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, वो उनकी थ्रू आउट लाइफ कंसिडर होती है, इवन उनकी डेथ के बाद भी 60 मोर ईयर्स तक वो रहती है. फाइन, तो इंटेलेक्चुअल जो सॉरी कॉपीराइट है वो क्या है? एक ऐसा राइट है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है. फाइन, नाउ वी हैव हाउ कॉपीराइट वर्क्स, कॉपीराइट कैसे काम करता है. अंडर कॉपीराइट लॉ अ वर्क इज कंसिडर्ड ओरिजिनल इफ ऑथर क्रिएटेड इट फ्रॉम इंडिपेंडेंट थिंकिंग वॉइड ऑफ डुप्लीकेशन. कॉपीराइट लॉ के अंदर सिर्फ वही उसी काम को ओरिजिनल माना जाता है जिसको ऑथर ने अपनी थिंकिंग से बनाया है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से बनाया है. कोई किसी भी तरह की उसमें डुप्लीकेशन नहीं है, किसी का भी उसने आइडिया स्टील नहीं किया है, उसने खुद के आइडियाज को, खुद के इंटेलेक्ट को यूज करके अपने वर्क को क्रिएट किया है. ओके, दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप. ओके, तो इस टाइप के वर्क को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप.
एनी वन विद एन ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप ऑटोमेटिकली हैज द कॉपी राइट टू डेट वर्क। तो जिसने भी अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो कॉपी राइटेड वर्क माना जाता है। फाइन। प्रिवेंटिंग एनी वन एल्स फ्रॉम यूजिंग और रेप्लीकेटिंग इट। और कॉपीराइट वर्क क्या होता है, कोई भी दूसरा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ना तो उसको यूज कर सकता है, ना ही उसकी कॉपीज बना सकता है। रेप्लीकेशन मीन्स कॉपीज बनाना। द कॉपीराइट कैन बी रजिस्टर्ड वॉलंटरीली बाय द ओरिजिनल ओनर। और कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क के लिए कॉपीराइट लॉ को रजिस्टर करवा सकता है। फाइन। फॉर एन ओरिजिनल वर्क टू बी कॉपीराइटेड, इट हैज टू बी इन टेंजिबल फॉर्म। और क्या कंडीशन है कि जो ओरिजिनल वर्क है, जिसको जिसके लिए आपको कॉपीराइट जिसको आपको कॉपीराइट करवाना है, वो टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए। टेंजिबल फॉर्म कौन सी होती है, जिसको आप टच कर सको। दिस मीन्स डेट एनी स्पीच, डिस्कवरीज, म्यूजिकल स्कोर्स और आइडियाज हैव टू बी रिटर्न डाउन इन फिजिकल फॉर्म। तो आपको क्या, जो भी आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसको आपको एक टेंजिबल फॉर्म में लाने के लिए उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और यू कैन राइट इट ऑन द पेपर्स, इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। तभी उसको तभी वो कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो दैट शुड बी टेंजिबल। जो भी आपने डिस्कवरी की है, जो भी आपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उसको आपको क्या करना है, आपको एक रिटर्न फॉर्म में उसको लाना है। नाउ वी हैव कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या होता है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट मींस कॉपीराइट का उल्लंघन करना, उसके अगेंस्ट जाना। कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट जाना। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इज द यूज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या है, कॉपीराइट मटेरियल को यूज करना, क्रिएटर की, जिसका वो मटेरियल है, उसकी परमिशन के बिना। तो ये क्या हो गया, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया, कॉपीराइट के अगेंस्ट जाना, उसका उल्लंघन करना। फाइन। म्यूजिक एंड मूवीज आर टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। तो सबसे ज्यादा जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहाँ होता है, म्यूजिक एंड मूवी इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टीलिंग होती है म्यूजिक की भी और मूवीज की भी। फाइन। इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज हु डेवलप न्यू वर्क्स रजिस्टर फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू एंश्योर दैट दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट्स। तो जो भी इंडिविजुअल और कंपनीज है जिन्होंने अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, वो क्या करते हैं, ये अपने वर्क के लिए कॉपीराइट लॉ को रजिस्टर कराते हैं, ताकि उनको उनकी प्रॉपर्टी से फायदा हो सके। ओनली दे कैन गेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी उन्होंने जो भी क्रिएट किया उसको दूसरे लोग यूज करें और वो उससे फायदा उठाए, इसलिए वो क्या करते हैं, कॉपीराइट कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। फाइन। अदर पार्टीज मे बी ग्रांटेड परमिशन टू यूज दोज वर्क्स थ्रू लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स और बाय द वर्क्स फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर। तो अगर किसी और को वो वर्क यूज करना है तो वो कैसे कर सकता है, या तो लाइसेंस लेके, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट देके, लाइसेंस देके, या फिर वो कॉपीराइट होल्डर से उस वर्क को बाय करके, खरीद कर। तो इस तरीके से आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियो।